प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि भारत को स्वच्छ करने के चक्कर में कितने कर्मचारी अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जिस क्षेत्र में सबसे पहले उनको काम करना चाहिए वो है इंसानियत, ताकि किसी गरीब की सीवर में उतरने की वजह से मौत ना हो। ये मैनहोल दिल्ली के लाजपत नगर इलाके का है, जो एक के बाद एक तीन कर्मचारियों को निगल गया। जी हाँ, मैनहोल की सफाई के लिए एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से तीन सफाई कर्मचारी आए थे, और वो जैसे ही इसके अंदर घुसे वो खुद से बाहर नहीं आ पाए। यहाँ खड़ी भीड़ भी ये देखकर हैरान है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। ऊपर आए ही नहीं, उनको रस्सी बांध के नीचे भेजा। जैसे ही वो नीचे गए, नीचे जाते ही उन्होंने एकदम से बोला गैस चढ़ के मुझे ऊपर खींच लो। तो उसमें मैंने भी उनकी हेल्प करी थी, उनको बाहर निकाल के जब वो आए तो यूज़ करी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस सीवर में जहरीली गैस बनी हुई थी, जिसके चलते तीनों कर्मचारियों का दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। गनीमत यह है कि चौथे कर्मचारी को समय पर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि बिना किसी सुरक्षा मुहैया कराए इनको गटर में क्यों उतारा गया। तो देखो कौन आदमी नीचे है, कैसे सफाई नहीं आ रही, तो जब उसको उसके पेट पर रस्सी बांध के तब उसको नीचे भेजा गया। जब वो भी उसकी आवाज़ कम हो गई तो नंबर कॉल, उसके बाद हमारे एक दोस्त थे भैया जी, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तो फिर वहाँ से फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने आगे जब तीन लाशें वहाँ से निकाली है। मरने वाले सफाई कर्मचारियों की पहचान अन्नू और जोगिंदर के रूप में हुई है, तीसरे की पहचान अभी होनी बाकी है। दिल्ली में इस तरह से दर्दनाक मौत का ये पहला हादसा नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में लापरवाही का मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। मुमताज खान के साथ आशुतोष कुमार, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।